13 दिसंबर को देखें एलाइड बैंक के अंदर इसने सेल की कॉल जनरेट की थी। एबर्ट पाकिस्तान को इसने 21 दिसंबर को बाय करवाया था। अब देखें आपको ताजे सिग्नल चाहिए, ताजे ताजे सिग्नल चाहिए, आपने क्या करना है, जी ये देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये वाला मैं यहाँ पे जी मार्किंग भी कर दूं ताकि आप लोग की रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, और इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने जस्ट उस लिंक को भी दबाएंगे तो आपके पास ये ट्रेडिंग सिग्नल्स ओपन हो जाएंगे। अब सही हमने इसके अंदर जैसे इसको दबाया, हमारे पास यहां से, हम यहां से चार्ट भी लगा सकते हैं, रियल टाइम एडवांस चार्ट, ट्रेडिंग सिग्नल्स, टूडेज ट्रेडिंग सिग्नल, ये हमने दबाना है। जैसे हम इसे दबाएंगे तो जो आखिरी दिन जो सिग्नल जनरेट हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ये सब फ्राइडे वाले दिन जनरेट हुए हैं। अब इसको बाय को हम एक तरफ कर सकते हैं, सेल को एक तरफ, जैसे हमने यहाँ सिग्नल को दबाया तो अब सारे बाय एक तरफ हो गए और सेल के नीचे आ गए। अच्छा, जिसमें इसने बाय कॉल जनरेट की है, इसका मतलब है इसमें हम बाइंग कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, मोस्ट प्रोबेबली ये चलने के जी चांसेस है फ्यूचर में। जी बिल्कुल, वो आपको स्टॉप लॉस भी साथ दे रहा है ना। अब देखें इसको समझना है, हमने इसको, हमने समझना कैसे ओके है, समझना इसको ऐसे है कि देखें, एक तो ये आपको बता रहा है, एक तो इसमें ये कि मार्केट क्लोज होने के बाद ये आपको बताएगा, लेकिन अगर आप सही है। पर्सनली वर्किंग कर रहे हैं तो आप तो 3:15 बजे बाय कर चुके होंगे, जबकि ये आपको कब बताएगा, तकरीबन कुछ 7 बजे के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, सब तमाम डेटा इकट्ठा हो जाएगा, तो ये आपको 6-7 बजे बताएगा। जी, मैं दोनों क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो तो हम कर चुके हैं अपना पर्सनल। इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि अगर रात में हम बैठे हुए, हमने इसकी कोई बात मान ली कि हमने कोई आइटम बाय वो भी मैं करी है, आपको इसकी कैसे? प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और ये खुद आपको बताएगा कि जी हमने जो सिग्नल जनरेट किए हैं उसमें फायदा है या नुकसान हुआ है। लेकिन उसको जानने से पहले, हम यहाँ पे इस पेज पे हैं तो हम इसको थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो हमारे बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखें, इसने फर्ज करें कि 786 की इसने बाय की कॉल जनरेट की है फ्राइडे वाले दिन, ये सही इसका है। रेट जो है ना 5 रुपए 80 पैसे कह रहा है बाय कर लें। अब स्टॉप लॉस जी देखें इसने क्या रखा है, सेल व्हेन प्राइस क्लोज बिलो, यानी कि 5 रुपए 80 पैसे अगर ये फ्राइडे वाले, मतलब कल ये इससे नीचे हो तो आपने जो है ना फिर बाय नहीं करना इसको। अच्छा ये जो साथ में लिखा हुआ है ना सेल व्हेन प्राइस क्लोज बिलो, तो ये स्टॉप लॉस है, सही, ये स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस है, ये इसने यहां पे इसको स्टॉप लॉस लिखता तो शायद लोगों को और आसानी हो जाती, लेकिन ये जो इसने जुमला लिखा है इसने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक लिखा है कि क्लोज अगर इससे नीचे हो, यानी कि क्लोजिंग की भी उतनी ही अहमियत है जितनी की ओपन की अहमियत है। ओपन की क्या अहमियत है, 3 बजे ओपन पे क्लोज हो रहा अपन हूं। सब, हाँ ओपन पे अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते हैं और क्लोजिंग पे अपन डिसीजन करते हैं। अच्छी चीज है ये भी। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी चीज है, मालूमात है, जितनी इकट्ठा हो काम है यार, जितनी मजबूत वर्किंग होगी ना उतना आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे। सही। तो अब हमने क्या करना है, जैसे आपने सवाल किया कि यार ये जो इसका क्या एक्सपीरियंस है, हमें क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो ट्रेडिंग सिग्नल यहां से शिकार परफॉर्मेंस, मिल सकता है हमें, आप यहां से शिकार मिल सकता है। हाँ अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखें कि इसने जो सिग्नल जनरेट की है इससे आपका हौसला भी बुलंद होगा। कैसे होगा कि हम कोई ट्रेड करते हैं और उसमें हमारा लॉस हो जाता है, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता हमारा लॉस होता है उसके अंदर, तो उससे क्या होगा, हमारे को ये होगा कि यार बड़े बड़े एल्गोरिदम्स घूम जाते हैं, तो यार मेरा अगर घूम गया तो उसमें कोई मुझे परेशान नहीं होना है, मैंने कुछ स्टॉप लॉस भी लेना है। मैंने अगर 10 ट्रेड डाली, अगर मैंने 10 ट्रेड डाली, मेरी वर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वर्किंग है, मैंने 10 ट्रेड डाली तो उसमें से भी हो सकता है कि मेरे 2 के स्टॉप लॉस हिट हो, और स्टॉप लॉस लेने पे कभी भी परेशान नहीं होना है, सही। जो भी कारोबार का एक हिस्सा है। अगर आप नहीं लेंगे और उसको लेके बैठे रहेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं बेचूंगा, तो बस आप फंस जाएंगे। अब देखें इसने, ये चीज बाय कराई है बैंक ऑफ पंजाब, और इसमें 4.60% के लॉस में बैठा हुआ है ये। ऊपर वाले में देखें इसमें 2% के लॉस में बैठा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिग्नल भी होंगे जैसे इसमें 4% प्रॉफिट में बैठा हुआ है, इसमें 1% का प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है। तो ये सब कारोबार का हिस्सा है, फायदा भी हो जी सकता जी है, और देखें 3% यहां पे प्रॉफिट है, ऊपर 3.60% का लॉस लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ। नेशनल रिफाइनरी इसने 21 दिसंबर को रिकमेंड किया था कि बाय करो, और वो वापस घूम गया है। अब इसका स्टॉप लॉस है 3 रुपए 22 पैसे का, जबकि अभी वो 3 रुपए 37 पैसे के ऊपर है, तो अपने स्टॉप लॉस से बहुत दूर है वो। सही 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 सही। तो हमने कभी भी दिल छोटा नहीं करना है, अगर हमने 10 ट्रेड डाली है तो हमने जहनी तौर पर तैयार रहना है कि मैंने अगर 10 ट्रेड डाली है तो इसमें से मुझे 2 का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा।